इसी तरह से अगर आप तीसरे वाले के एरर निकालोगे तो डेल्टा ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस ए थ्री, और उसी तरह से ए फोर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए फोर जो फोर्थ रीडिंग है माइनस, सॉरी फोर्थ रीडिंग नहीं, ट्रू वैल्यू माइनस ए फोर, ठीक है, अप टू डेल्टा ए एन तक, ए एम माइनस ए एन। आई बात समझ में सबको, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हम लोग, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सॉरी हाँ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करके हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको सबको नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर के बाद अब आता है लास्ट एक एरर बची है जिसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। जैसे नाम से पता चल रहा है परसेंटेज निकालनी है आपको, तो परसेंटेज एरर में क्या होगा, बहुत ही आसान है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मतलब कितने परसेंट की एरर आ रही है, परसेंटेज एरर तो क्या करना है, इसको बस 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, मतलब रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब हम लोग, ठीक है इसको नोट कर लो, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप लोगों को सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखें, अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सभी एरर निकालेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर। तो सपोज करो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसका, टाइम पीरियड वाले का, जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग आई वो क्या क्या रीडिंग आई वो हम लोग नोट करते हैं। जो पहली रीडिंग आई A1 बोलते हैं उसको, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हैव फॉलोइंग मेजरमेंट या रीडिंग जो भी बोलो, आपको ये रीडिंग मिली A1 से, नहीं तो टाइम पीरियड है तो T1 से डिनोट करेंगे। तो पहला जो टाइम आया वो आया 2.60 सेकेंड, दूसरा जो टाइम पीरियड आया वो आया 2.62 सेकेंड, तीसरा जो टाइम पीरियड आया वो आया 2.59 ले लेते हैं, चौथा जो टाइम पीरियड आया वो आया 2.61 सेकेंड। ठीक है, चलो चार ही रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन में और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हमें निकालना है फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, यहां पे लिखता हूं मैं फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर वन एब्सोल्यूट एरर, सभी रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना आप लोगों को, ठीक है, तीसरा, थर्ड आपको फाइंड करना है क्या बेटा, थर्ड आपको फाइंड करना है फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, और चौथा आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर भी फाइंड करनी है, और पांचवा रीडिंग गिव रीडिंग विथ परसेंटेज एरर, गिव रीडिंग, गिव एक्चुअल रीडिंग या एक्यूरेट रीडिंग बतानी है आप लोगों को विथ परसेंटेज एरर, गिव एक्चुअल रीडिंग विथ परसेंटेज एरर, आपको एक्चुअल रीडिंग बतानी है परसेंटेज एरर के साथ। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग,
ये FE81A467 बेटा आप लोग करो, ये क्वेश्चन करो फिर मैं करवाता हूं, है ना? ठीक है, नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, रीडिंग नोट कर ली, T1, T2, T3, T4, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू निकालो। ट्रू वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू को किसे डिनोट करूंगा मैं? TM से मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होगी? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, कितने टाइम्स? चार बार करी रीडिंग, तो चार से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। T1 कितना है? 2.60 प्लस 2.62 प्लस 2.59 प्लस 2.61। अब इन सबका सम करो, डिवाइडेड बाय 4, सबका सम करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 आएगा, 2 आ जाएगा, 1 इधर नहीं आएगा, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 18 18 प्लus 6 24, फिर 2 आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो 10 आएगा, 104.2 आएगा ना शायद, 10.4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, सॉल्व करो इसको, 4 2 8, 4 2 8 और 4 6 24, फिर 2 तो जाएगा ही नहीं, तो 0, ठीक है, 2.605, ठीक है, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो ताकि आगे आप इसको देखो बेटा, राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा हम लोगों को, अपने राउंड ऑफ के रूल नहीं पड़े वैसे तो, राउंड ऑफ के रूल मैंने उसमें बता रखे आप लोगों को, इसको जब राउंड ऑफ करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 2.60, कितना आएगा? तो मीन वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.60 सेकेंड, ये आपकी ट्रू वैल्यू होगी, ये आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी, तो एक्यूरेट रीडिंग कितनी आई? 2.60 सेकेंड। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं डेल्टा T1, पहली वाली रीडिंग में कितनी एरर है? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो 2.60 माइनस 2.60 होगा, तो पहली वाली रीडिंग में कोई एरर नहीं है, 0 आया। अब दूसरी वाली रीडिंग में कितनी एरर है? डेल्टा T2, तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.60 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.62, कितना आएगा? माइनस 0.02। फिर डेल्टा T3 निकालेंगे, ट्रू वैल्यू 2.60 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.59, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 0.01 प्लस का आएगा 0.01। अब डेल्टा T4 क्या आ जाएगा? डेल्टा T4 ट्रू वैल्यू 2.60 माइनस 2.61, तो ये आएगा -0.01। ये सारी कौन सी एरर है? ये एरर है एब्सोल्यूट एरर। तो पहले का आंसर है एब्सोल्यूट एरर जो होगा पहले वाली रीडिंग में वो होगा 0, दूसरी वाली रीडिंग में होगा -0.02, तीसरी वाली रीडिंग में होगा +0.01, चौथी वाली रीडिंग में होगा -0.01, ठीक है। तो मैं ट्रू वैल्यू को ऊपर कहीं लिख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे ट्रू वैल्यू कितनी आई, 2.60 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ये हमने क्या निकाला? ये हमारी एब्सोल्यूट एरर निकल गई। अब यहां पे लिख लो एब्सोल्यूट एरर्स, ये एब्सोल्यूट एरर निकल गई। अब दूसरा हम लोगों को क्या निकालना है?
अब हम लोगों को निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा ए एम, तो मैंने बताया था कि इन सारी को जोड़ेंगे, डेल्टा टी एम लिखो यहाँ पे, डेल्टा टी एम, तो डेल्टा टी वन का मोड प्लस डेल्टा टी टू का मोड प्लस डेल्टा टी थ्री का मोड प्लस डेल्टा टी फोर का मोड डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स एक्सपेरिमेंट करें, चार बार, तो चार से डिवाइड करेंगे इसको। डेल्टा टी वन कितना है, जीरो, डेल्टा टी टू कितना है, माइनस 0.02, लेकिन मैंने बोला कि माइनस नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि मोड लगा रखा है, तो प्लस में ही लेंगे हम लोग 0.02, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। तीसरा क्या है, 0.01 प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 0.01। अगेन जो चौथी वाली एरर है वो अगेन माइनस में आ रही है, तो वापस में इसको क्या लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा बेटा ये 2, 3, 4, तो शायद ये 0. सॉल्व करोगे तो 0.01 सेकेंड आएगा। तो ये आपकी क्या आई, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, इसको नोट कर लो, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, ठीक है, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है। अब हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर, यहां तक नोट करो, फिर फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही है, फ्रैक्शनल एरर यहां पे निकाल देता हूं मैं। तीसरा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जो बोलना चाहो, तो कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टी एम डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यही तो करते थे। तो डेल्टा टी एम कितना है हमारा 0.01 और टी एम कितना आया, टी एम आपका आया 2.60, ठीक है, सॉल्व करना चाहो काट दो 1 पॉइंट से, 0.1 डिवाइडेड बाय 260, 1 डिवाइडेड बाय 60, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होगी। फिर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, क्या करो, उसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को डिवाइड कर दो किससे, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 बाय 13, इसको परसेंटेज में डिवाइड, 5 को डिवाइड करो 13 से, कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0, लगभग अप्रॉक्स 4 आएगा वैसे तो मैं खाली 0.04 लिखता हूं, ठीक है, 4 के अप्रॉक्स आएगा 0.4 परसेंटेज, परसेंटेज एरर निकालना आया आप लोगों को, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब पांचवा क्या था हमारा, फिफ्थ पॉइंट, कि हमें आंसर देना है विथ परसेंटेज एरर, तो कैसे आंसर दोगे आप, तो फाइनल रीडिंग जो होगी आप लिखोगे फाइनल रीडिंग, तो ट्रू वैल्यू प्लस परसेंटेज एरर, ऐसे देना है, प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ट्रू वैल्यू कितनी आई, 2.60 प्लस माइनस 0.4%, ठीक है, ये आपकी इस तरह से रीडिंग आप शो करोगे। आया समझ में, एरर को कैसे करते हैं, ठीक है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस वगैरह दूंगा एरर पर। एरर को कैसे हम लोग सम करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, सपोज करो मैंने आपको बोला कि जो वाई ये बोर्ड है, इस बोर्ड का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर जानते हो, पेरीमीटर का मतलब है, पेरीमीटर का क्या मतलब है,
पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी सर्कमफेरेंस, मतलब ऐसे जाओगे आप तो इसकी कितनी लेंथ होगी, कॉर्नर कॉर्नर में जाके इसे मेजर करोगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, टू लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब सपोज करो आपने इसकी लेंथ मेजर करी, लेंथ आई इसकी कितनी, लेंथ आई इसकी 5 मीटर, 5.01 कर लेते हैं, 5.02, और उसमें एरर भी आ रही है, कितनी एरर आ रही है उसमें, 0.3 मीटर की एरर आ रही है, ठीक है। आप तो ऐसी रीडिंग दोगे ना, और ब्रेथ मेजर करी, ब्रेथ मेजर करी 2.3 मीटर प्लस माइनस, इसमें एरर आ रही है 0.2 मीटर की। अब पेरीमीटर में क्या लिखोगे आप लोग, ये वाला तो आप जोड़ दोगे 5 प्लस 2, इनको तो जोड़ दोगे, लेकिन अब इनमें क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो उसी चीज को मैं बता रहा हूं कि अगर एरर सम करना हो हम लोगों को, अब जैसे इनका पेरीमीटर निकालना तो लेंथ प्लस ब्रेथ करनी पड़ेगी, तो इनको तो जोड़ दोगे, लेकिन इनकी एरर का क्या करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, ठीक है। तो एरर हमेशा क्या होती है, एरर हमेशा जुड़ती है, तो ये जोड़े जाएंगे, इनको ऐड किया जाएगा, कैसे ऐड किया जाएगा उस चीज को बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अब लिखो एरर्स इन सम और डिफरेंस, एरर्स इन सम और डिफरेंस, सम भी हो सकता है या डिफरेंस भी हो सकता है, एरर्स इन सम और डिफरेंस। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास x इक्वल टू है, आपको a प्लस बी को ऐड करना है, x इक्वल टू a प्लस बी को ऐड करना है, a में रीडिंग है डेल्टा a की, प्लस माइनस कर सकते हो यहां पे, a को प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब देखो x प्लस माइनस डेल्टा x क्या होगा, देखना यहां पर समझना, x में रीडिंग, x में भी तो एरर आएगी, तो a में रीडिंग, a की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, इसकी एरर के साथ लिखोगे आप, और b को भी तो ऐसे लिखोगे प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, तो यहां पे प्लस आएगा आपका, ये सम और डिफरेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। सम कर रहे हैं पहले हम, फिर डिफरेंस में भी यही होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है, x की एरर a प्लस माइनस डेल्टा है, a को लिखा मैंने और b वाली रीडिंग लिखी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a को अलग लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा b को अलग लिख दो, ऐसे लिख सकता हूं मैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, थोड़ा ध्यान देना, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब देखो a प्लस बी, a प्लस बी क्या है आपका, a प्लस बी आपका x है, तो a प्लस बी की जगह मैं क्या x लिख सकता हूं, प्लस माइनस कॉमन ले लो, इसमें से अंदर क्या बचेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इधर प्लस का x है, इधर प्लस का x है, x इधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब जो मेन रीडिंग में जो रीडिंग आएगी, जो एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें इन दोनों की एरर्स का सम होगा, एक्चुअल रीडिंग आएगी, सेम प्रोसीजर जो होगा वो माइनस के लिए भी हो सकता है, a माइनस b भी आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हमारे पास 3.5 मिनट बचे हैं।